हाय एवरीवन, मैं हूँ शिखा। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही अलग और यूनिक तरीके की टिप्स लेके आई हूँ। आज की वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले टिप्स है, यहाँ पे गैस को मैंने ऑन कर लिया है। उसके ऊपर मैंने दियाली रखी हुई है, जो हमने दिया यूज़ की है दिवाली की, सभी के घरों में तो बच गई होंगी। बस उसी में से एक दिया का यूज़ करेंगे और बहुत ही अच्छी एक रेमेडी बनाएंगे। तो सबसे पहले दिया को अच्छे से गर्म कर लेंगे। यहाँ पे देख ही सकते हैं आप, दिया बहुत अच्छे से गर्म हो गई है। थोड़ा सा इसमें डालेंगे अजवाइन और तीन चार हम लेंगे लौंग। इन दोनों को अच्छे से हम इसमें भूनेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे यहाँ पे और इसे अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। तो देखिए, बहुत अच्छे से हमने इसे भून लिया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। आज मैं इन दोनों को यूज़ करके ऐसी रेमेडी आपको बताऊंगी जिससे काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी और बहुत ही यूज़फुल रेमेडी है ये। इसे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, थोड़ा नॉर्मल करने के बाद हम जिससे अदरक कूटते हैं उसमें डाल के इसका एक पाउडर बना लेंगे। इस रेमेडी को यूज़ करने से आपकी काफ़ी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, जैसे कि दांतों में काफ़ी दर्द होते हैं, कभी कभी अचानक से बहुत ज़्यादा दर्द होने लगते हैं, राहत नहीं मिलती हमें। काफ़ी लोगों के दांतों से ब्लड आता है, पायरिया की शिकायत होती है। आप इस छोटी सी होम रेमेडी को बना के रख लीजिए, ये आपके बहुत ही काम आएगी। बस इससे क्या करना है, आप जब भी ब्रश करते हैं उस टाइम पे थोड़ा सा आप ब्रश की जैसा कर लीजिए सुबह और शाम। इससे आपको बहुत ही जल्दी राहत मिलेगी। जिससे पायरिया की बहुत ज़्यादा शिकायत है उसके लिए भी बहुत ही अच्छी और यूज़फुल होम रेमेडी है। 110% आपको रिजल्ट मिलेगा बिना पैसे खर्च किए। दूसरी टिप आपसे ऐसी शेयर कर रही हूँ जो कि सभी लेडीज़ सभी गर्ल्स के लिए है, बहुत ही यूज़फुल है और ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगी। तो आजकल मार्केट में जो लिपस्टिक आ रही हैं काफ़ी ऐसी मिल जाती हैं जो कि जल्दी निकलती नहीं है, निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मैं आपको हाथों पे लिपस्टिक लगा के बता रही हूँ, ये मेरी एक ऐसी लिपस्टिक है जिसे मैं लगा लेती हूँ तो निकलती नहीं है जल्दी। तो मैं इसी ट्रिक को फॉलो करती हूँ हमेशा से। आप भी थोड़ा सा वैसलीन लीजिए और ओठों पे इस तरीके से आप रब कीजिए हल्के हाथों से। बस आपके कुछ ही सेकंडों में ये लिपस्टिक निकल जाएगी, बहुत ही आसानी से, लगेगा ही नहीं कि आपने लिपस्टिक लगाई थी ओठों पे। रब करने के बाद कोई कॉटन ले लीजिए और अच्छे से इसे क्लीन कर लीजिए। तो देखिए, लग रही है आपको यहाँ पे कोई लिपस्टिक लगी हुई थी, बिल्कुल क्लीन लग रहा है। तो कैसी लगी आपको ये ट्रिक, प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। पसंद आई होगी तो एक लाइक कीजिएगा वीडियो को और इसे आपके दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो अगली ट्रिक वैसलीन को लेके ही है। जब भी हम कोई भी वाटरप्रूफ मस्कारा का यूज़ करते हैं तो जल्दी निकलता नहीं है। मैंने यहाँ पे काजल लिया है, सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने लिया है कि वाटरप्रूफ काजल है मामाअर्थ का। तो आप इस तरीके से मस्कारा लगाते हैं आँखों में, जब भी इसे निकालते हैं तो बहुत परेशानी होती है, काफ़ी टाइम भी लग जाता है, निकलता नहीं है जल्दी। तो बस आपको ये छोटी सी ट्रिक फॉलो करनी है, सेम जैसे आपने लिपस्टिक के लिए देखा है वैसे ही इसे रब करना है आँखों पर और कॉटन से इसे निकाल देना है। तो इससे आपका जो मस्कारा है आसानी से निकल जाएगा और आपकी आंखों में कोई परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि वैसलीन बिल्कुल सेफ होती है। तो आप इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा, कोई भी केमिकल का यूज़ मत कीजिए आपकी आंखों में। तो चौथी टिप आपसे शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही यूज़फुल है, ज़रूर देखिएगा। इससे आप काफ़ी सारा अपना पैसा बचा सकते हैं और काफ़ी सारा समय बचा सकते हैं। अब जब भी हम केले को लाते हैं, केला तो खा लेते हैं लेकिन केले का जो छिलका होता है इसे हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत ही काम की चीज़ है। जितना केला यूज़ नहीं आता है उससे कहीं ज़्यादा आपको केले का छिलका काम आएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप केले के छिलकों को बिल्कुल नहीं फेंकेंगे, आप इसे बचा के रखेंगे। तो हमें क्या करना है, केले के छिलके को गैस पर रखना है। आधा चम्मच इसमें मीठा सोडा डालेंगे, डालने के बाद हम गैस पे इसे रब करेंगे अच्छे से। तो ये बहुत कमाल की टिप है, ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इससे आपका जो गैस है कितना भी पुराना गैस होगा बिल्कुल चमचमाएगा। लोग देखने के बाद यही पूछेंगे आपसे, आपने नई गैस ली है क्या। तो कई सालों तक आपका जो गैस चूल्हा है बिल्कुल चमकता रहेगा, आपको गैस चेंज करने की यानी कि बदलने की ज़रूरत नहीं होगी। जब भी ये काम करके आप सोएंगे रात को, सुबह उठ के देखेंगे तो आपको सुकून मिलेगा, चमचमाती हुई गैस आपको किचन में दिखेगी। काफ़ी लोग स्टील वाला यूज़ करते हैं गैस स्टोव, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इससे उनका जो गैस है हमेशा चमचमाता रहेगा। तो ये कई सालों तक आपके पैसे बचाएंगे, ज़रूर इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा। तो देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है, कितना क्लीन और एकदम चमकदार दिख रहा है। इसमें आप आपका फेस भी देख सकते हैं। इस ट्रिक से आपको ना ही तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ना ही आपको किचन में बहुत ज़्यादा टाइम देना होगा और ना ही आपको किसी केमिकल की ज़रूरत होगी। बस छोटी सी ट्रिक को फॉलो करके बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा पैसा अपना बचा सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक खाली दिया लिया है, इसका यूज़ बहुत ही अच्छा, मैं आपको बताऊँगी। काफ़ी अच्छा और फ्री का जुगाड़ है जो कि आपके डेली रूटीन में काम आता है। आप यहाँ पे दियाली ले लीजिए या फिर कोई भी आपके पास छोटी मोटी प्लास्टिक की कटोरी हो जिसका यूज़ ना हो उसे ले लीजिए। तो यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ, लगभग एक चम्मच बड़ा चम्मच के करीब। उसके बाद हम लेंगे हैंड वॉश,
जिससे हम हाथ धोते हैं वही वाला है, सभी के घरों में होता है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। थोड़ा सा हैंड वॉश डालेंगे इसमें हम। अब आपस में दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये हमारा एक अच्छा सा सॉल्यूशन एक बनके तैयार हो गया है। तो चलिए इसका यूज़ क्या करना है वो देख लेते हैं, और इसमें एक चीज़ हमारी रह गई है उसे भी हम ऐड कर लेते हैं। 4-5 हमें लौंग लेनी है। लौंग की खुशबू बहुत अच्छी होती है, खाने में हो या फिर कहीं पे भी हो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो इस सॉल्यूशन में हम इसे डाल देंगे। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा एक सॉल्यूशन बनके तैयार हो गया है। इसे आप कहीं पे भी रखिए, बेडरूम, बाथरूम, किचन, इससे जो बैड स्मेल होती है ना वो चली जाती है और एक अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू आती है। तो है ना फ्री का बहुत ही अच्छा जुगाड़, ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल है। आज की टिप की सबसे लास्ट और बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स है जो सभी के काम आने वाली है, इसे ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। ये जो ढक्कन की जैसे दिख रही है ये मोमबत्ती वाली दिया है, इसे मैंने फेंका नहीं है, इसका बहुत ही अच्छा यूज़ करेंगे आज हम। मैंने यहाँ पे मिक्सी ग्राइंडर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मिक्सी ग्राइंडर का इस ढक्कन से क्या लेना देना है, तो इसका बहुत अच्छा यूज़ बताऊंगी। जब भी हम मिक्सी को इस तरीके से किचन काउंटर पे रखते हैं तो इसका नीचे का जो पाँव होता है वो चिपक जाता है नीचे, आसानी से इधर उधर नहीं होता है, बहुत प्रॉब्लम आती है। तो उसका एक छोटा सा सोल्यूशन बताऊँगी जो कि आपके काम बहुत आएगा। जो ये मैंने लिए हैं ना दिया के ढक्कन, उनको नीचे आप पैर में लगा दीजिए और इसे आप कहीं पे भी खिसका सकते हैं, बहुत आसानी से खिसक जाएगी, इससे आपको परेशानी भी नहीं होगी। तो है ना बहुत ही अच्छा फ्री का जुगाड़। इसके अलावा आप कई सारी बोतल के जो पुराने ढक्कन होते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे घर में बहुत सारी बोतलें ऐसी पड़ी होती हैं जिनका हमें यूज़ नहीं होता है, तो उनके भी ढक्कन निकाल के आप यूज़ कर सकते हैं। ढक्कन किस तरीके का होना चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके के जो ढक्कन होते हैं उनका भी यूज़ आप नीचे पैर में कर सकते हैं मिक्सी के। और इसके अलावा आप तीसरी चीज़ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, पेपर प्लेट या फिर कोई भी नॉर्मल प्लेट आप जिसका यूज़ नहीं करते हैं घर में, किचन में आपका यूज़ नहीं है, उसे आप इस तरीके से मिक्सी में यूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे आप प्लेट लगा दीजिए और अब इसे आप कहीं पे भी रख सकते हैं, कहीं पे भी खिसका सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगी। आई होप आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई होगी। अगर आपके लिए यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। इस तरीके के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में शेयर की है, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और इस तरीके के टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके आप अपने समय और पैसे को बचा सकते हैं। तो मैं आपसे मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।